बाजत चारू वल गीत बावे हो, जोड़ी साला हिट बावे हो। क्या बात है नम्रता जी, आपकी जोड़ी इस पियक्कड़ आदमी से कैसे बन गई? छोड़ी के हमके हर नौकरी करेला, कितना रुपया तू पावेला। थोड़ा मेरा साथ दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, और खास करके इनके पे ध्यान दीजिए, बहुत पी के आते हैं तो मारते हैं हमको। नमस्कार, मैं हूं किशन कुमार और आप देख रहे हैं अपना उड। आज आपके चहेती कलाकार मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम मौजूद हैं गोपालगंज के धरती पे, जगह है बथुआ बाजार। हमारे साथ मौजूद हैं वो कलाकार नम्रता राय जी। आज बात करेंगे इनसे कि भोजपुरी में चर्चा होने के पीछे कारण क्या है और इन दिनों क्या कुछ कर रही हैं। स्वागत है नम्रता जी। जी प्रणाम। आपके जितने भी चाहने वाले हैं वो आपको स्टेज पे देखना तो चाहते ही हैं, लेकिन आपके फेवरेट गाने को भी बहुत सुनना चाहते हैं। क्या जादू करती हैं ऐसा? मैं ऐसा जादू तो कुछ की नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक की बात है, धनंजय जी हैं और गजेंद्र भैया हैं, काफ़ी इन लोग के साथ मेरा स्टेज शो चलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोग के साथ प्रोग्राम करके। लेकिन अभी इन्हीं लोग से पूछिए इन लोग को कैसा लगता है। कैसा लगता है? नहीं देखिए, कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ में वो खनक है और वो चीज़ स्टेज पे दिखती है, और ज़्यादा करके जादू तो इनका नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं पब्लिक प्यार दे रही है तभी हम लोग स्टेज पे गा रहे हैं, नहीं तो शायद हम लोग के बस का नहीं है। इसमें क्या सच्चाई है गजेंद्र? सच्चाई यही है कि हमारा और इनका जोड़ी बहुत लाजवाब है। फेसबुक पे पेज पे या यूट्यूब चैनल पे मुझे दो लाइन कहना है इनके लिए कि शर्मा गजेंद्र नम्रता के जोड़ नहीं खे ये हो गाना गाता के, बाजत चारू वाले गीत बावे हो, ये जोड़ी साला हिट बावे हो। क्या बात है नम्रता जी, आपकी जोड़ी इस पियक्कड़ आदमी से कैसे बन गई? ये तो पियक्कड़ नाम से बोलो। पियक्कड़ बस ऐसे ही है, रियल में थोड़ी ना पियक्कड़ है। ये सच बात है? मैं रियल का पियकड़ नहीं हूँ, रील का पियकड़ हूँ। क्या बात है, ऐसे भी पियकड़ की जरूरत है समाज में। नम्रता जी, भोजपुरी में आगे क्या करने जा रहे हैं? जी, मेरा तो सोच यही है कि मैं एक अच्छी सिंगर बनूं, एक अच्छे लेवल पे जाऊं, और इन लोग का साथ मिले तो शायद थोड़ा सा प्यार भी मिले, दुलार भी मिले, तो मैं इन लोग के साथ आगे बढ़ जाऊंगी। कोई फेवरेट गाना जो हमेशा स्टेज पे आप गुनगुनाते हैं? मेरा फेवरेट गाना एक ही है कि छोड़ी के हमके हर नौकरी करेला, कितना रुपया तू पावेला। ए सैया जी ए राजा है, याद बहुत तू आवेला है, याद बहुत तू आवेला। ये इनके साथ में बहुत प्यार से गाना गाई थी। नम्रता जी, जो भी सिंगर होते हैं, जो स्टेज के स्टार होते हैं, वो हमेशा फिल्मों में गाना चाहते हैं। नम्रता राय क्या चाहती है? जी, मेरा भी तो ख्वाहिश है कि मैं भी मतलब फिल्मों में गाना गाऊं, लेकिन ऐसा किसी ने मौका मुझे दिया नहीं। किसके साथ फ्यूचर में गाने का मन है? फिलहाल में तो अभी हम किसी को सोचे नहीं है, लेकिन हम खुद के बल पर सिंगर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, समाज में ऐसे कलाकारों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जो अपने दम पे भोजपुरी में एक मुकाम बनाना चाहते हैं, और ख़ासकर वो अगर कोई लड़की हो तब तो और भी मायने रखता है। वैसे कलाकार जो लड़कियां हैं और इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, उनका मनोबल कैसे बढ़ाएंगी नम्रता राय? मेरे घर से कमी सपोर्ट मिलता है सिंगिंग के लिए, मेरे चाचा वोचा लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेरे मम्मी और मेरे पापा दो लोग का सपोर्ट है, और मैं खुद के बल पर सिंगिंग करना चाहती हूँ। और मुझे कोई आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, कोई मुझे मौका दे गाने के लिए या ना दे, लेकिन मैं अपने कुशीनगर ज़िले में पूरा छाई हुई हूँ। मतलब नम्रता राय पूर्वांचल के सानवाड़ी, भोजपुरी के वो सभी कलाकार जिन्हें आपके साथ काम करने की इच्छा हो, उन्हें क्या कहेंगे? अभी तो फिलहाल में किसी के साथ काम करने का नहीं, लेकिन हम कमेंट पढ़ते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि गजेंद्र भैया के साथ आप शादी कर लीजिए। ले भाई, अब तो भोजपुरी में एक नया बवाल खड़ा होने वाला है मुझे लग रहा है। अपने चाहने वालों को क्या कहेंगे? अपने चाहने वालों को यही कहेंगे कि थोड़ा मेरा साथ दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, और खास करके इनके पे ध्यान दीजिए, बहुत पी के आते हैं तो मारते हैं हमको।
चलिए ये तो मजाक की बात है, इन सभी कलाकारों को इनके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हमने मिलवाया आपको नागेंद्र उजाला जी से, गजेंद्र शर्मा जी से, नम्रता राय जी से और आप सबके चहेते धनंजय शर्मा जी से। आप सभी की उज्जवल भविष्य के लिए हमारा चैनल कामना करता है। आप सब जगमगाते रहिए, आप सबको पब्लिक भी ऐसे ही प्यार करते रहे, इस चैनल को अपना प्यार देते रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलवाएंगे किसी और हस्ती से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।